जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं इस स्टेटमेंट से टोटली डिसएग्री करता हूं, और मैं इस स्टेटमेंट से क्यों डिसएग्री करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी जहां पर एक कॉम्पिटिशन होता है, जहां पर कछुआ और खरगोश वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो एक कॉम्पिटिशन होता है, ये एक रनिंग कॉम्पिटिशन होता है, जहां पर खरगोश को पता होता है कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, और उसको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता होता है कि ये तो बहुत धीरे धीरे ही चलता है। तो होता क्या है, जब रेस स्टार्ट होती है तो कछुआ अपनी रेस स्टार्ट करता है और खरगोश बहुत आगे चला जाता है। इन बिटवीन जो खरगोश है वो सो जाता है, लेकिन जो कछुआ होता है वो कंसिस्टेंट धीरे 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 चलता रहता है। और लास्ट में ये देखा गया कि जो खरगोश है वो सोता रह जाता है और जो कछुआ है वो रेस जीत जाता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी जो आज तक हम लोगों ने सुनी है वो ये है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन आज के आधुनिक युग में ये जो मॉरल है, ये जो स्टोरी का निचोड़ है, ये गलत होता है। मैं आप लोगों से कहूंगा, इस स्टोरी का मॉरल ये होना चाहिए कि व्हेन यू आर इन अ रेस नेवर स्लीप। जब आप किसी कॉम्पिटिशन में हैं तो सोना मना है, आलस करना मना है। जितने भी कॉम्पिटिशन हैं वो सारे टाइम बेस्ड हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी एग्जाम के लिए जाते हैं तो उसमें भी एक टाइम लिमिट होती है। वो जो टाइम लिमिट है मैक्सिमम 3 आवर्स की होती है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो उसमें एक एज क्राइटेरिया भी होता है कि आप इस एग्जाम को सिर्फ इसी एज तक प्रिपेयर कर सकते हो। अब आप सोचिए कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट में चले कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और आप किसी कंपटीशन में बैठे हुए हैं, आप किसी एग्जाम में बैठे रहे हैं और टाइम लिमिटेड है, अगर आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। या आप सोचें कि ठीक है, मैं 15-20 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं जो एग्जाम है उसको लिखूंगा, तो क्या आप वो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? नहीं। इसी तरीके से अगर आपके पास एज लिमिट है एग्जाम की, और आप सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, 1 साल में रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, तो आप क्या वो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? जितने भी एग्जाम्स हैं, RAMC, RMS, सैनिक स्कूल, NDA, CDS, ये सारे ही टाइम बाउंड एग्जाम्स हैं। जितने भी UPSC के जितने भी एग्जाम्स हैं वो टाइम बाउंड एग्जाम्स हैं, जिसमें एक एज का भी एक क्राइटेरिया है। तो आप खुद से सोचिए कि यहाँ पर तो आपको बहुत ज्यादा फास्ट मूव करना है, और दूसरी बात, आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है, तो आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट से ले सकते हैं। पहले जो इंफॉर्मेशन लेने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता था, अब वो कुछ मिनटों का काम हो गया है। तो इंटरनेट की आप हेल्प लीजिए। डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी भी इसी चीज को फॉलो करता है कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो जल्दी से करनी है। आपको अपने कंपटीशन की तैयारी में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी ने अपना एक ऑनलाइन कोर्स भी प्रिपेयर किया है। जो भी बच्चे डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में एडमिशन लेते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस तो पढ़ते ही हैं, साथ में उनको ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती हैं। मतलब उनको जो रिकॉर्डेड कॉन्टेंट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। जब बच्चा डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में पढ़ के अपने घर जाता है तो वो उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देखता है, और जो लेक्चर कल सर पढ़ाने वाले होते हैं वो भी वो एक दिन पहले ही तैयार करके आता है। तो नेक्स्ट डे जब वो क्लास में आता है तो उसके डाउट्स भी हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो आप खुद देखिए, इस इंटरनेट युग में जब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके फ़ोन में, तो आपको क्या स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए? नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब NDA गर्ल्स के लिए हो गया है, RAMC भी गर्ल्स के लिए होने जा रहा है, सैनिक स्कूल ऑलरेडी ही गर्ल्स के लिए है। तो आप देखिए कि कंपटीशन क्या है, यू आर इन अ कंपटीशन। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, वो लोग ये सोचिए कि आप लोग ऑलरेडी एक कंपटीशन में हैं। जो भी बॉयज और गर्ल्स सोच रहे हैं कि हमें डिफेंस में जाना है, तो आप ये सोच के चलिए कि आप आज से ही कंपटीशन में हैं और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिन भी रिसोर्सेज से आपको अपने एग्जाम के बारे में पता चलता है, आप उन रिसोर्सेज
को यूज करते हुए अपने एग्जाम के बारे में पता करें, एग्जाम पैटर्न क्या है। कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहां पर सूरज सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, आरएएमसी के लिए भी, आरएमएस के लिए भी और एनडीए के लिए भी। जिन गर्ल्स का सपना है कि उनको भी डिफेंस में जाना है, तो अब उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो गई है। इतना तो आप ध्यान में रखिए कि आप लोग एक कंपटीशन में हैं और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनको कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में क्लासेस शुरू हो गए। जो बच्चे डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में नहीं आ सकते स्कूल के वजह से, डिस्टेंस के वजह से, तो हमने उनके लिए एक बेस्ट कोर्स तैयार करा है, तो आप उस ऑनलाइन कोर्स से भी पढ़ सकते। ये सूरज सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जहां पर आप क्लास वाइज अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज ही आप डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी शुरू करें। द बेस्ट थिंग इज दैट कि अभी नवरात्रि ऑफर भी चल रहा है, तो आपको इन ऑनलाइन कोर्सेज में एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जिन बॉयज एंड गर्ल्स का इंटरेस्ट है डिफेंस की तरफ, वो आज ही इस नवरात्रि ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।